हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सुरेखा। सुरेखा स्पेशल रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ चावल की खीर। खीर दो तीन प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन आज हम जो प्रकार देखेंगे वो है चावल की खीर। बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है। उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे चावल की खीर। चावल की खीर बनाने के लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध। ये जो छोटा ग्लास है, ये भर के मैंने चावल लिए, उसे अच्छे से साफ करके दो तीन पानी से धोकर फिर पानी में उसको भिगोकर रखा दो तीन घंटे, और फिर उसको उसका चावल निकाल के ऐसा इस तरीके से मिक्सर में मैंने पेस्ट बना लिया चावल का। और हमें खीर के लिए क्या चाहिए, चार उंगली, एक बाटी चीनी, एक काजू बादाम है, थोड़े से लंबाई में मैंने काट लिए है इनको, मनुके, घी और चार इलायची मैंने चीनी डालकर इसको बारीक कूट लिया है। ये केसर है, पहले गैस ऑन कर लेंगे। हमारे पतीले को गर्म होने देते हैं, घी डाल देते हैं, और ये चावल का भिगोया हुआ चावल का पेस्ट डाल दूंगी मैं। इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे घी में। गैस एकदम बारीक चाहिए। इसको अच्छी तरह तरीके से मैं घी में चलाते जा रही हूँ। इसको चलाते ही रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। थोड़ा सा घी डाल दूंगी, और ज़्यादा घी नहीं चाहिए। पहले थोड़ा सा डाला और अब थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। जो चावल का पेस्ट मैंने मिक्सर में पीसा है, ये मैंने दरदरा पीसा था, एकदम बारीक नहीं किया इसको। और दूध भी पहले से ही मैंने उबाल कर रख दिया था, एकदम ठंडा दूध नहीं है, पहले से ही उबाल कर रख दिया था मैंने दूध। तो हम इसमें उबले हुए दूध का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें ये चावल का पेस्ट ही अच्छी तरीके से होने देना है पहले। आप इसे एल्यूमिनियम के पतीले में भी अच्छी तरीके से पका सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको होने देना है, तभी खीर का स्वाद अच्छा आएगा। करीब मैंने इसको 5 मिनट तक लगातार हाथ से इसको इसे चलाते ही रखा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये गरम किया हुआ दूध डालूंगी, थोड़ा सा पहले। खीर में गुठलियाँ ना हो इसके लिए इसको अच्छी तरीके से, अब इसमें मैं दूध में थोड़े ही दूध में अच्छी तरीके से पहले इसको ऐसे चम्मच से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमको इस चावल की गुठलियों को स्मैच कर लेना है पतीले में। इसको करीब 2 मिनट ऐसे अच्छी तरीके से दूध में थोड़े दूध में स्मैच कर ले। अब जो मैंने दूध पहले से ही गर्म करके रखा था वो दूध में इसमें डाल दूंगी, और अच्छे से इसको अब
मिला लेना है। आधे लीटर दूध के और चावल के हिसाब से अभी मैंने इसमें चीनी ली है। आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो दूध की, चावल की थोड़ी सी दूध, तो आप चीनी का नाप थोड़ा बढ़ा लें। अगर हमें खीर पूरी के साथ खानी है तो हमें खीर थोड़ी मीठी चाहिए होती है। अब मैंने एक बाटी जो चीनी ली थी वो चीनी मैं इसमें डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको उबलने देना है, लेकिन इसको देख भी लेना है, नहीं तो ये दूध पूरा हमारा पतीले के नीचे चला जाएगा। तो इसको चलाते चलाते रहे और थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहे और गैस की फ्लेम थोड़ी बारीक ही रखें। नहीं तो ये खीर हमारी उबल गई है, लेकिन हमको इस खीर में के जो हमारे चावल है उसको अच्छी तरीके से पकाना है और खीर भी थोड़ी गाढ़ी करनी है। तो इसको और उबलने देना है, जब तक ये और उबलेगी तब तक मैं इसको इसमें ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से डाल देती हूँ, थोड़े गार्निश के लिए रखेंगे। ये चारोली के 2-3 दाने, एक चम्मच मन के इलायची पाउडर और केसर। खीर पूरी हो जाने के बाद, ठंडी हो जाने के बाद हम उसमें सर्व करने के टाइम डालेंगे। अभी इसको अच्छी तरीके से उबलने देते हैं। खीर में के जो चावल थे वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, हमारी खीर भी अच्छी गाढ़ी हो गई है। ले और ठंडी जब ये खीर हो जाएगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इतनी गाढ़ी इसको बनाया है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो सकती है। अब गैस बंद कर देती हूँ मैं और खीर को सर्व कर लेती हूँ। गैस बंद करने के बाद मैं ये खीर में इलायची पाउडर डाल देती हूँ, स्मेल आएगी इससे अच्छी खीर की। थोड़ा सा केसर और हमने ड्राई फ्रूट्स पहले ही डाले हैं। हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। केसर से अच्छा कलर आ गया इसमें। खीर को गार्निश कर लेते हैं थोड़े से मनके, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और एक केसर डाल देंगे। हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है, लेकिन पहले इसे ठंडा होने दे, बाद में ही इस खीर को पूरी के साथ खाए, अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है ये ठंडी होने के बाद, और गाढ़ी भी बन जाती है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।